नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक। स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने ही YouTube चैनल आलोक्स ब्लॉग पर। आज की इस वीडियो के अंदर भी हम एक इंडोर प्लांट को जो है वो कवर करने वाले हैं, जिसे क्रिप्टेंथस के नाम से जाना जाता है। ये कैक्टस फैमिली को बिलोंग करने वाला पौधा है। एक बार जो है इसके अंदर जब फ्लावरिंग हो जाती है, फिलहाल ये 2 फीट तक लंबा जो है वो हो जाता है, लेकिन एक बार जब इसके अंदर फ्लावरिंग हो जाती है तो फ्लावरिंग होने के बाद जो है सीड्स भी बनते हैं, लेकिन ये प्लांट जो है मर जाता है। जिस तरीके से बिच्छू एक ऐसा जंतु है जो अपनी न्यू जनरेशन के साथ जो है अपने आप को ख़त्म कर देता है, वैसे ही बिल्कुल जो है ये फ्लावरिंग के बाद खुद को ख़त्म कर देता है। लेकिन ये साइड साइड से जो न्यू पप्स बनाता है, उसकी सहायता से आप समय समय पर इससे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर देखिए, मेरा एक पौधा ये तैयार हो चुका है, ये तैयार हो चुका है, और अभी भी देखिए साइड से इसने 2-3 न्यू पप्स जो हैं वो निकाल लिए हैं। तो अगर समय समय पर आप इसको प्रोपगेट करते रहते हैं, इस तरीके से न्यू प्लांट्स बनाते रहते हैं, तो अगर एक पौधा इसका मर भी जाता है, मदर प्लांट, तो ये आपके पास हमेशा जो है वो छोटे छोटे पौधों के रूप में बना रहेगा। फिलहाल अगर बात करी जाए इस पौधे की, तो मुझे ये 120 का मिला था, और उसके बाद देखिए मैंने इसके 2 पौधे बना लिए, तो मेरे लिए 120 कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कॉस्टली नहीं हुआ। बात अगर इस पौधे की करी जाए, तो इसको डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल नहीं पसंद है। आप इसको लगाइए तो, अगर आउटडोर लगा रहे हैं तो किसी बड़े पौधे के नीचे छांव में लगाइए, या फिर इंडोर अगर आप लगा रहे हैं तो सिर्फ ब्राइट लाइट इसके ऊपर पड़े। लेकिन आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसको अच्छी ब्राइट लाइट मिले। ऐसा नहीं कि आप घर के अंदर एकदम शेडी एरिया में इसको प्लेस कर दीजिए। इसको खिड़की वगैरह के पास ऐसी जगह पर रखिए, या फिर बरामदे में ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पर इसके ऊपर सूर्य का इनडायरेक्ट प्रकाश जो है पड़ता रहे। पानी की बात करी जाए तो पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, कैक्टस फैमिली को बिलोंग करने वाला पौधा है, तो इस वजह से जो है अगर पानी इसको कम भी मिलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी ज़्यादा होने पर रूट रॉट होकर तुरंत मरने लगता है। बात मिट्टी की करी जाए तो यहाँ पर आपके सामने ये जो पौधे लगे हुए हैं, ये 50% गार्डन सॉयल, सॉरी 50% कोकोपीट और 50% सैंड के अंदर लगे हुए हैं। ये जो दोनों पौधे हैं दोनों इसी के अंदर लगे हैं। और बात अगर इस पौधे की करी जाए, तो इस पौधे को मैंने 40% कोकोपीट, 20% कंपोस्ट, 20% गार्डन सॉइल और 20% जो है आपकी सैंड के अंदर लगाया हुआ है। सैंड में वही जो रेगुलर ग्रे कलर वाली यूज करता हूँ, वही मैंने इसके अंदर डाला है। मिट्टी इसकी बेल ड्रेन होनी चाहिए, जिससे इसके अंदर एक्स्ट्रा वाटर बिल्कुल भी स्टैंड ना करे, क्योंकि ज़्यादा पानी रुकना मतलब इसके अंदर रूट रॉट की प्रॉब्लम तुरंत आएगी। पानी कम हो जाए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये 10-15-20 दिन तक भी बिना पानी के चल जाएगा, लेकिन अगर पानी ज़्यादा हुआ तो शायद 2 दिन भी जो है ये नहीं सर्वाइव कर पाएगा, तुरंत ही रूट रॉट की प्रॉब्लम इसके अंदर आ जाएगी। और बात रही बात खाद की, तो कोई बहुत ज़्यादा खाद देने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आप फरवरी में इसको हल्की फुल्की जो है वो सॉलिड फॉर्म में खाद दे दीजिए, और उसके बाद जो है लिक्विड फर्टिलाइजर जब भी तैयार कीजिए, थोड़ा बहुत जो है आप इसको दे दीजिए। कोई अगर नहीं भी देते हैं तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि ये बिना खाद का भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। चलिए अब इसका प्रोपगेशन करके देख लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसका एक पप यहाँ पर जो है वो निकला हुआ है, तो पेचकस वगैरह की मदद से या फिर आपके पास जो भी टूल्स हों उसकी मदद से सबसे पहले तो आपको हल्का हल्का जो है मिट्टी को रिमूव कर लेना है, क्योंकि है क्या कि रूट जो है इसके साथ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर बिना रूट के ये निकल के आ जाएगा तो फिर शायद जो है इसको प्रोपगेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पर देखिए ये प्राइम, इसकी जो प्राइमरी रूट थी मतलब जो पतली पतली रूट थी वो तो टूट गई हैं, लेकिन ये इस तरीके से निकल आया है, और ऐसे भी ये बहुत अच्छे से प्रोपगेट हो जाएगा। यहाँ पर ये जो मैंने सॉयल मिक्स बनाया है इसको लगाने के लिए, ये आपकी वही है 50% जो है कोकोपीट और 50% सैंड, बिल्कुल भी इसके अंदर मैंने जो है आपका कंपोस्ट वगैरह नहीं मिक्स किया है। तो इस तरीके से ये जो रूटिंग रूट वाला पार्ट है नीचे का स्टेम वाला, यहीं से जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा रूट्स डेवलप हो जाती हैं, तो इसको इस तरीके से मिट्टी में डालकर जो है हमको अच्छे से जो है वो दबा देना है, और उसके बाद इसको एक बार थोड़ा अच्छे से पानी दे देंगे और उसके बाद शेड में ही रखेंगे, जब तक कि ये पौधा जो है अच्छे से इस्टेब्लिश होकर ग्रो करना नहीं शुरू कर देता। यहाँ पर अपने पौधों को मैंने पानी दे दिया है, पौधे को जो मैंने अभी प्रोपगेट किया, इनके अंदर भी कई दिन से नहीं दिया था तो इनको भी दे दिया। चलिए वीडियो को अब यहीं पर एंड करते हैं। कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ मिलते हैं आप लोगों से किसी नई वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।